recorded and stuff? Did you record it? तो पहले हमें आपको क्या दिखाएंगे, आर्मेचर खोलेंगे और इसमें आर्मेचर दोनों बैरिंग खोलना आपको दिखाएंगे, तो और कुछ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो दोनों बैरिंग को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, हम आपको ए वाला हिस्सा को हमें खोल लेना है। केस है ना, इसको ओपन करना है, इसको जो ये केस है ना, इस केस को बाहर करना है, इसको काट के बाहर करना है, इसको आपको बाहर करना है। डाल देना, डाल इसका खुला हुआ है, ठीक है।
हर सामान किसने इसको काम किया है, ठीक है। और इसको जो सिस्टम है ना, इसको आपको फिट से फिट कर लेना है, तो इसमें भूल जा सकता है इसको, तो वर्ष इसको फिटिंग कर लेना। बढ़िया से इसको फिटिंग हो जाएगा में दो नट का फंसा लेना, ज्यादा नट के नहीं होने चाहिए, दो नट इसमें डाल लेना, दो नट इसमें डाल लेना चाहिए, दो चार आपको जितना भी चाहिए आप डाल लीजिए, तो जो भी अच्छा लगे। मैंने इसको आपको डालने के लिए बोला है, आप इसमें दो नट इसमें डाल लेना। आपको ये वाला हिस्सा खोलना है, खोलने के बाद आपको आर्मेचर को बाहर करना है, तो आपको हम देखा थे आर्मेचर कैसे बाहर। रात चला है, क्या हुआ पता नहीं, इसको खोलना है बढ़िया साइड कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसको जो कार्बन होल्डर है ना, उसको हमें बाहर करना है, इसलिए आपको ये चीज़ दिखा देती है, इसको होल्डर का जो सेट है ना, देखिए सब कुछ खुला हुआ है, ठीक है। इसको हमें बाहर करना है, मतलब बाहर करने काम किसने किया है, देखिए मशीन को पूरा खुला हुआ है, तो बढ़िया से खोल जाए। चाइनीज वाला जो मैसेज होता है ना, उसके जो सामान होता है ना, अच्छा नहीं है, आपको पता है बॉस कंपनी का रहता है, खोलने के लिए पूरा परेशान हो रहा हूँ, कैसे इसको खोले, कैसे खोल पाएंगे। दोनों साइड से, तो उसके बाद आर्मेचर को हम बाहर कर सकते हैं। इसमें क्या है, ऐसे कि हो गया कि इसको हमें इसमें लग रहा है ना, इसको बाहर थोड़ा कर लेते हैं, देखिए इसको बाहर कर लेते हैं, कार्बन होल्डर कर लेते हैं, थोड़ा सा फेस कर ऐसे बाहर हो जाएगा, हमने बाहर कर लिए, देखिए आर्मेचर को हमें बाहर करना है, कार्बन होल्डर ऐसे ही हो रहा है, तो इसमें साइड टूट टूट गया है, तो वजह से बाहर नहीं हुआ है, इसको बाहर कर लेते हैं, तो बाहर कर लेते हैं। उसके बाद इसमें फील्ड अर्मेचर सब कुछ है, इसमें आपको रोलर बैरिंग, अंदर वाला रोलर बैरिंग आपको बोलते हैं बाहर करना है, तो इसको बाहर आप कैसे करोगे, ठीक है। फील्ड भी आप बाहर कर सकते हो, इसके अंदर रोलर बैरिंग होता है, इसको बाहर करना है, तो बाहर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, और आपको ये इसका जो बैरिंग है, ये भी हम निकाल के आपको दिखाएंगे कैसे इसको निकाल सकते हो, निकालने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है। इसको ऐसे निकाल नहीं पाओगे, उसको चेंज करना है, अंदर वाला बैरिंग कैसे आप चेंज करोगे, सर्किल ओपन करना है, उसके बाद आपको खींच के इसको निकाल सकते हो। मैं इसको
दिखाएंगे, ठीक है। आपको रोलर बेरिंग इसमें अंदर के रोलर बेरिंग है, उसको अगर आपको बाहर करना है टूट जाता है कल कवर, कैसे उसको निकाल सकते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं क्या करते हैं। इसके अंदर जो नाट होता है ना, ये नाट, ये नाट है ना, उसको खोलना है बढ़िया से। तो खोलने के लिए आपको जो हैंडल है ना, इसको भी आपको खोलना है, इसको जो हैंडल है इसको खोलना है। खोलने के लिए इसको जो स्विच होता है ना, स्विच को आपको बाहर करना है, अगर जो स्विच है स्विच को आपको बाहर करना है, स्विच का ऐसे ऊपर से आपको प्लेस करेंगे ना, ये कवर ऐसे उठ जाता है, उठने से इसमें ऐसे इसमें इस साइड से आपको प्रेस करके खोलना है, ऐसे खुल जाता है। ऐसे खोल लेना बढ़िया से, इसमें तो नाट रहता है, इसको खोलना बढ़िया से खोलना। आपको ऐसे करके खोल लेना है, तो खोल लिया ऐसे करके खोल लिया, ऐसे इसको रख लेते ऐसे बढ़िया से, आपको इसको सीधा करके इसमें जो नाट दिया है ना, ए वाला नाट, इसको खोलना है। तो इसको खोलने से बाहर हो जाएगा, ये नहीं अंदर से ही बाहर हो जाएगा, तो उसको 10 के गुटी से इसको खोल लेते हैं बढ़िया से। ये गुटी होता ना इसी से इसको खोल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे बढ़िया से आपको तो पकड़ने पड़ेगा, इसमें लग जाएगा। इसको खोलने के लिए आप क्या करोगे, इसमें टाई कर लेना है, तो कैसे आपको खोलना है, आपके पास ऐसे लंबा कुछ रहेगा तो इसके अंदर इसमें डाल लेना, बढ़िया से खोल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे आप उसको फंसा लेना, उसके बाद ऐसे इसको फंसा लेना, उसके बाद इसको घुमा के आप खोल लेना। बोल्ट का सिस्टम से खोल रहे थे, स्कूल से सब कुछ खोल रहे क्या हुआ खोलेंगे तो पता चलेगा सब क्या हुआ, तो खोलने से पता चलेगा नहीं तो नहीं पता चलेगा।
उसके बाद आपको एक जो वाला सिस्टम है ऐसे बाहर आ जाए, ये बाहर हो गया, इतना ज़्यादा खराब है हमें ग्रीस में निकालना है। ठीक है, ऐसे देखिए खोल लेना है ऐसे करके। ठीक है, तो इससे सामान है, फिल कॉल है, देखिए फिल कॉल बढ़िया से फिल कॉल खुल गया है। बिल्कुल मैंने खोल लिया। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है ना इसको भी ऐसे खोल लेना, देखिए। ठीक है, आपको ऐसे बाहर करना है, तो बाहर करने के लिए आपको ये वाला हिस्सा खोलना है। तो खोलने के लिए आपको क्या करना है, इसको ऑयल जो पैड है ना, इसको ऑयल पैड होता है, इसमें एक ऑयल पैड रहता है, रोलर बैरिंग रहता है, आपको उल्टे साइड से ठोक के खोलना है। ठोक के खोलने के लिए आपको क्या करना है, ये जो सिस्टम है ना इसको खोलना है। ठीक है, आपको हमको दिखा देते हैं खोलना कैसे है, कैसे आप काम कर पाओगे। ठीक है, आपको ये तो ख़राब नहीं है, तो आपको खोलने के लिए क्या करना है, इसको आप काटिंग करके खोल लेना, और अंदर वाला जो उसमें ए वाला हिस्सा है, ए वाला हिस्सा इसको खोल लेना है। ठीक है, खोलने के बाद ये तो नया है, इसको खोल के हमको फ़ायदा नहीं है, तो आपको ए खोलने के बाद इसमें जो गियर रहेगा, ठीक है, उसको इस साइड से आप ठोक के इसके से ठोक तो आपको नीचे चला जाएगा, तो गियर ओपन कर सकते हैं, उसको ओपन कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये जो हिस्सा होता है ये कनेक्टिंग होता है, इसको आपको बाहर करना है, तो बाहर करने के बाद ही ये गियर ओपन होगा। गियर ओपन करने के बाद आपको देखा है कैसे ओपन किया जाता है, इसको कैसे आप काम कर पाओगे। ठीक है, तो आगे वाला हिस्सा मैंने खोला था, मैं खोला जाएगा, इसको ऐसा खोल लेना, इसको दोबारा से आप खोल लेते हैं, खोलने के बाद आपको दिखाएंगे कैसे इसको आप इसको रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो इसको मैं कुछ सामान के ऊपर रखना, तो रहने के लिए और सब सब कुछ छोटे रहेंगे।
इसको गियर आपको बाहर करना है। इसमें भी बूस्ट रहता है, ये बूस्ट रहता है, और इसमें आपको रोलर बैरिंग रहता है। रोलर बैरिंग को इस साइड से आपको ठोकने से बाहर हो जाएगा। आपको दिखाते हैं इसको कैसे खोलने का सही तरीका। तो इसको हम पहले साफ करते हैं। इसमें पहले ये जो है ना ऑयल पैड है, उसके अंदर रोलर बैरिंग है। देखिए ये अंदर सबको रोलर बैरिंग दिखाई दे रहा है ना। देखिए इसमें रोलर बैरिंग है। रोलर बैरिंग कहाँ पे है? इसके अंदर रोलर बैरिंग है। इसमें रोलर बैरिंग है, देखिए रोलर बैरिंग इसके अंदर है। इसमें रोलर बैरिंग दिखाई दे रहा है, ए वाला अंदर में रोलर बैरिंग है। आपको रोलर बैरिंग दिखा नहीं पा रहे, देखिए इसके अंदर रोलर बैरिंग है। तो ए रोलर बैरिंग है, ये रोलर बैरिंग है ना। तो रोलर बैरिंग को इसको हमें ऑयल पैड खोलना है। ऑयल पैड खोलने के लिए क्या करना है, नीचे से हमें प्रेस करके ऑयल पैड को खोलना है। ऑयल पैड हमें खोलना है। ऑयल पैड खोलने के लिए मुड़ रहा है ना, एक तो ऐसे खराब होकर इसको बाहर करना है। तो
आसान नहीं होगी, ठीक है। हम ये कोशिश करते, मेरे पास ऑयल पैड है, देखिए ऑयल पैड हम बाहर कर रहे हैं। देखिए ऑयल पैड बाहर करने के लिए यही तरीका है, ऑयल पैड कब को खोलने के लिए उसको ऑयल पैड खराब कर रहे हैं खाने के लिए बाहर होगा। बाहर करने के लिए तरीका है, हमको दिखा रहे हैं ऑयल पैड को आपको बाहर करना है। देखिए ऐसे बाहर हो गया ऑयल पैड, बाहर हो गया इसको आपको ऐसे करके आपको बाहर कर सकते हैं। ऑयल पैड तो जो लॉक है ना, ये तो ऑयल पैड है ना खराब, मैं कर दिया इसको, ऑयल पैड हम नया लगा देंगे आपको लेके। ऑयल पैड ऐसे ख़राब हो गया, देखिए ऑयल पैड आपको बाहर करना है, ऐसे करके बाहर कर लेना। उसके बाद आपको ऐसे ऑयल पैड है इसको आपको के खोल सकते हो, नहीं तो कटिंग करते हुए खोल सकते हो। कटिंग खोल नहीं रहा आपको ठोक के खोलना, बाहर से ठोक के खोलना है। देखिए ऐसे ठोक के आपको खोलना है, ठोक के खोलने के लिए आपको ये जो सामान है के मदद से खोलना है, आज से जा नहीं रहा तो उसके बाद आपको खोलना है। डायरेक्ट खोलना है, बैरिंग को भी आपको खोलना है। तो बैरिंग खोलने के लिए उसको रोलर को तोड़ना, रोलर को तोड़ने के बाद टोक टोक आपको खोलना है, तो खोलने को होगा। तो उसको खोलने के लिए मैंने आपको जुगाड़ दिखा रहा हूँ, ऐसे कुछ सामान है। तो इसको हम नुकीला कुछ बना लेते हैं, इसको नुकीला बना लेते हैं, काटिंग कर लेते हैं, ठीक है। काटिंग करने के बाद खोलेंगे, खोलने का तरीका तो सही नहीं है। तो उसको हम थोड़ा जो बैरिंग है ना उसको हम बाहर कर सकते हैं, आपको दिखा देते हैं ऐसे जाएगा। तो खराब नहीं है तो आपको दिखाने के लिए मैंने इसको काम कर रहा हूँ, चलिए। ऑयल पैड काटिंग करने के बाद इसको काट लेना। देखिए इसको काटने के बाद ये थोड़ा मोड़ गया, उसके बाद आपको ऑयल पैड बाहर करना है। इसको बाहर करने के बाद आपको हम साफ करके दिखाते हैं, इसमें रोलर बैरिंग है, ये देखिए इसमें रोलर बैरिंग फिट किया है, रोलर बैरिंग को सार क्लिप है, रोलर बैरिंग को सार क्लिप से लॉक किया है। आपको सार क्लिप को ओपन करना है, उसके बाद ठीक ठोकने से बाहर आ जाएगा। सार क्लिप आपको बाहर कर लेना है, ठीक से याद नहीं बेस करके ऊपर तक उठाया है, ठीक है। उठा दिया ना, थोड़ा सा उठाया, उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसको इसके हाथों से मदद से इसको हम बेस करने के बाद इसको घुमा घुमा के हम उसको उठा लेते हैं। देखिए सार क्लिप भी हम इसमें उठा लिया है, ठीक है। उसको अभी खोलना है रोलर बुस को, तो हम ठोकेंगे, देखते हैं इसको खोलते हैं।
खोलने का तरीका होगी हमें पता नहीं, तो तोड़ के हम खोल सकते हैं, अगर टूट जाएगा तो कोई भाग नहीं, तो हम खोल के खोलने के लिए रोलर बेयरिंग थोड़ा बाहर आ रहा है, ये रोलर बेयरिंग बाहर आ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये रोलर बेयरिंग है ना बाहर आ गया है, ठीक है। ये रोलर बेयरिंग मैंने बाहर कर लिया, ठीक है। देखिए बाहर हो गया, ये बैरिंग ख़राब नहीं होता, इसको साइज़ भी आपको बता देते हैं, रोलर बेयरिंग का साइज़ क्या है, मेरे पास ऐसा थोड़ा 150 रुपये में कुछ था, तो आपको रोलर बेयरिंग मैंने बाहर कर लिया है। ये रोलर बेयरिंग का कुछ भी साइज नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए इस रोलर बेयरिंग मैंने आपको खोल के दिखा दिया, देखिए जो रोलर बेयरिंग है ना इसको हम खोल लिया है, तो रोलर बेयरिंग इसमें जो बैरिंग होता है इसको खोल लिया है रोलर बेयरिंग, ठीक है। ये रोलर बेयरिंग है, ठीक है। आपका जो रोलर बेयरिंग है ना इसमें है, और ये जो ऑयल पैड है, ऑयल पैड मैंने जो तोड़ दिया था, ऑयल पैड ये रोलर बेयरिंग ऑयल पैड, जो ऑयल पैड है ना ये ऑयल पैड है, ऑयल पैड ये है, ठीक है। हम ऑयल पैड नया भी डालेंगे और रोलर बेयरिंग फिटिंग करेंगे, और इसमें रोलर बेयरिंग नया है, नया रोलर बेयरिंग हम मेरे पास है, हम दिखा देते हैं। देखिए इसमें रोलर बेयरिंग है, रोलर बेयरिंग, तो हमें आपको नया बेयरिंग की इसमें कटिंग कर देते हैं। रोलर बेयरिंग ऑयल पैड रोलर बेयरिंग है ना, तो हम रोलर बेयरिंग फिटिंग करेंगे, ऑयल पैड फिटिंग करेंगे, इसकी फिटिंग करेंगे। तो आपको फिटिंग करने से पहले आपको क्या करना है, रोलर बेयरिंग से फिटिंग करना है, नया बेयरिंग है रोलर बेयरिंग साफ कर लेते हैं। कहाँ पे रख लिया मैंने कपड़ा, कपड़ा कहाँ पे छोड़ दिया, तो इसको हमें फिटिंग करना है, ख़राब रोलर है एक नया रोलर, तो हम रोलर बेयरिंग इसमें फिट कर लेते हैं। ये पुराना जो रोलर है उसको हमें उसको ठोक के बैठाना है, काम बढ़िया से करना, दिल लगा करना, मेरे जो मकसद है उसको पूरा कर लेने का। देखिए मैंने रोलर बेयरिंग इसमें फिट कर लिए, तो आपको साफ सफाई करने के बाद दिखा देते हैं। देखिए इसमें हम रोलर बेयरिंग फिट कर लिए, नया रोलर फिटिंग हो गया है, तो इसमें कुछ भी ख़राब नहीं है। तो उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, इसमें जो सर्किट था ये सर्किट इसको फिटिंग करना है इसके अंदर। देखिए
ये इसको फिटिंग करना है, साइड से इसको फिटिंग कर लेना। बढ़िया से सर्किल फिटिंग भी हो गया है, देखिए इसमें सर्किल मैंने फिटिंग कर लिया, ठीक है सर्किल फिट हो गया है। उसके बाद आपको जो ऑयल पैड है ना, ऑयल पैड को आपको इस साइड से, ये जो ऑयल पैड का ए वाला हिस्सा है देखिए, ये जो वाला हिस्सा है ऐसे करके बैठेगा, ऐसे आपको ऐसे बैठाना है, हम उसको बैठा देते हैं। आपको और एक चीज़ है, इसको अंदर डालने के लिए आपको थोड़ा, मेरा ये सामान ख़राब है तो उसको हम सुधार कर सकते हैं। अंदर तक जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको सामान लेना है, मेरे पास नया सामान है तो उसको हम बना लिया, तो हम उसको देखिए इसमें ऐसे आपको इसके अंदर वाला हिस्सा में आपको ए जाना है, तो आप एक चीज़ देखिए जो ए वाला हिस्सा ना ऐसे आपको ए बैठना है, नहीं तो आप इसको ठोक के बैठेंगे ना ऑयल सील ख़राब हो सकता है। देखिए ऐसे आपको सामान लेना है, ठीक है, तो आपको प्रेस करके बैठना है। ऐसे कुछ सामान आपको लेना है, मतलब कि देखिए ऐसे कोई सामान लेना है, ऐसे बैठाना है उसको, आपको ठोक के बैठाना है। सेम आपको साइज का सामान भी होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद इसका हम ले लेते हैं, इसके बाद उसको धीरे से उसको बढ़िया से उसको बैठाएंगे। देखिए आपको इसको बढ़िया से बैठा दिया, देखिए ऑयल पैड भी बैठ गया है, ठीक है। और अभी इसमें ये वाला हिस्सा, इसमें ऑयल पैड होता है ना, ऐसे बढ़िया से फिट भी हो जाएगा। देखिए थोड़ा टाइट होता है, देखिए अभी काम हो गया बढ़िया से। देखिए रोलर भी फिटिंग हो गया, इसमें प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो हम आपको ये भी दिखा दिया, इसको ऑयल पैड है, इसको ऑयल डाल के आपको उसको सेट करना, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया, उसको फिटिंग भी करना है उसको, इसमें बाद आपको ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन को भी अंदर डालना है बढ़िया से, इसको ये सब तो साफ सफाई हम नहीं करेंगे, इसको इसमें डाल देते हैं बढ़िया से, इसको डालना डाल के इसको पिस्टन को ना ये जब कहें बैठाना है तो फिर इसको उठा के देखिए मैं इसमें फिट कर रहा हूँ बढ़िया से, इसको फिट हो जाए बैठाना से, जैसे कभी बैठ नहीं रहा ठीक से तो उसको ठीक से बैठाना। तो आपको ये जो है ना, यहाँ पे आके इसको पुश करके बैठाना है, यहाँ पर भी होता है, देखिए अभी काम भी हो रहा है, ठीक है बढ़िया से काम हो रहा है, मतलब इसको लग रहा है, तो इसी वजह से इसको आपको इसमें सीधा करके रखना है, तो बढ़िया से बैठ भी जाएगा और काम भी होगा, ठीक है। ऐसे आगे पीछे हो रहा है, ठीक है आगे पीछे हो रहा है, ठीक है फिट करनी है और उसको बढ़िया से मैं फिट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर स्प्रिंग को डाल लेना है जैसे मैंने खोला था। उसके बाद इसके अंदर जो सिलेंडर है ना, ए वाला जो सिलेंडर, उसको आपको ए वाला जो सिलेंडर है इसके अंदर आपको डाल लेना है। देखिए इसको डालना है, इसको डाल दिया मैंने बढ़िया से, इसको डाल दिया। देखिए सिलेंडर अभी डालना हो गया, इसको डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, इसको भी अंदर डालना है। उसके बाद ये जो
सीधा बैठ जाएगा, एक्स्ट्रा सीधा बैठ गया। अभी इस पिस्टन का घुमा सकते हैं, अभी डाल गया देखिए पिस्टन इसका अंदर डाल गया। तो इसको ये जो बैठा ना इसको बैठाएगा, देखिए इस पर काम करेगा, ये जो है ना पिस्टन इस पर हमारे घूमेगा, इसको पिस्टन भी अंदर बाहर करेगा। देखिए आपको ये भी चेक कर लेना है, देखिए इसका हम हाथों से घुमा रहा है तो बाहर और क्लोज हो रहा है, तो पिस्टन वजह से काम हो रहा है। तो इसको हमें फिटिंग कर लेना है, तो फिटिंग हमें से कर लिया है, तो इसको पुश कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला हिस्सा है ना इसको भी हम बैठा लेते हैं, बैठा लिया तो इसको खोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा में दो नाट हम फंसा लेते हैं, तो बाद में जब इस फिटिंग करेंगे ना तो अभी इसको हम फिटिंग कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिटिंग कर लेते हैं इसमें, तो फिटिंग कर लेते हैं इसमें, फिटिंग करने के बाद हमें केस भी हम डाल लेंगे। केस के बाद ये जो है ना इसको साफ कर लेना, इसमें थोड़ा कुछ सामान चला गया है तो हम इसको साफ कर लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा खराबी है, प्यार से ये सब जो काम करते हैं ना उसको, और इसमें इसका भी बैठ जाता है आपको, तो इसमें आग भी पकड़ सकते हैं, इसमें आग लग सकते हैं, वैसे नहीं होता, आग कभी नहीं लगते हैं, ठीक है। आपको पूरी तरह साफ कर लेना है, तो इस ये रहने से आग लग सकते हैं, कल के बाद इसमें आग लग जाएगा, तो इसको साफ कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये बड़ा सिस्टम है ना इसको इसके अंदर फिटिंग कर लेना है, बढ़िया से इसको फिटिंग करना है, खुल रहा है तो इसको आपको सेट कर लेना है। तो उसके बाद इसको नाट को आपको कस लेना है, देखिए ऐसे कस लेना है चारों नाट को, चारों नाट इसको कस लेना है, ठीक है। तोड़ दिया था, तोड़ने के बाद मेरे जो सामान है ना आपको दिखाने के लिए मैंने देखा मेरा सामान तोड़ना था, तो बोटिंग साहब बोल रहे थे इसमें मैंने रखा हुआ था आपके वजह से मैंने उसको तोड़ा है, कम सीख जाओ मैं जो है ना थोड़ा रखा है, तो आपको काम सिखाने के लिए मैंने 100 रुपया का इसमें 150 रुपया का करीब इसमें सोलार बैरिंग था, 50 रुपया का से आप काम सीख जाओ। तो आपको पता है तो मैंने काम वीडियो सबको तो रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी बार किसी को नया सामान दे रहा है,
बढ़िया से काम सीखना, बढ़िया से काम करना। ठीक है, मैंने आज 200 रुपये का मशीन में मशीन ख़राब है, पूरी चीज़ का ख़राब है, ख़राब होने में थोड़ा देखो इसमें कुछ भी फोन नहीं हुआ सर, इसमें बॉडी ना
पहली बार आप लोगों को काम सिखाने के लिए मैंने कुछ सामान अच्छे सामान तोड़ दिए, तो ये अच्छा काम के लिए मैंने अच्छा सामान तोड़े हैं। तो सभी को जिसका रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है, वो काम अच्छे से सीखना है। तो हम काम सिखाने के लिए मैंने सामान तोड़ा था, वैसे नहीं उद्देश्य है और देखते मैं कोई उद्देश्य के लिए आपको कुछ सामान मैंने तोड़े हैं। स्विच को फिटिंग करने के लिए ये इसमें जो लॉक होता है ना, ये लॉक इस साइड से बैठता है, ऐसे देखिए ऐसे ऐसे लॉक को बैठता है। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे करके आपको प्रेस करना है, प्रेस करने से बैठ जाएगा, बैठ गया है ना। स्विच ऑन ऑफ होता है, ऑन ऑफ होता है। तो आपको ओपन करने के लिए क्या करना है, अब ऐसे पेचकस लेना, ऐसे इसके ऊपर से पेस कर, पेस करना थोड़ा सा, तो पेस करने से बाहर आ जाएगा धीरे से। दोनों साइड से आप धीरे धीरे करके पेस करना, दोनों साइड से ऐसे पेस करने से ये थोड़ा बाहर आ जाएगा। देखिए ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे करके आपको बाहर करना, ठीक है, ऐसे बाहर करना। तो फिर से आपको इसको डालना है ना, तो इसको ऐसे करना, फिर से आप दोनों हाथों को ऐसे प्रेस करना। ऐसे प्रेस करने के बाद एक साइड से बैठा दिया, दूसरे साइड से भी बैठा दिया, ठीक है, ऐसे ऑन ऑफ, ऑन ऑफ होता है। तो इस साइड हमने काम कर लिया। तो इसको आगे क्या करना है, इसमें जो आपको मैसिंग का जो सिस्टम है उसको ठीक करना है। अभी क्या करना है, तो आपको रोलर बेयरिंग मैंने तोड़ दिया था, तोड़ देने के बाद निकाल दिया, क्या करेंगे हम आपको तो काम हो गया। तो हमें ये बेयरिंग बाहर करना है, तो बाहर करने के लिए अभी आउट कॉलर से, कॉलर की मदद से ये कौन सा हो गया, रख लेते हैं खराब हो गया सर, इसको बाहर करना था। आपको बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ इसको आपको बाहर कर लेना है, थोड़ा बड़ा कर लेना है, बाहर हो गया, बाहर देखना बाहर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको आपको बाहर करना, तो आपके पास ऐसे कुछ ब्लर रहेगा तो आप लोग बाहर कर सकते हैं, देखाते हैं बाहर करने तरीका क्या है। इसको हम इसको ऐसे इसको पकड़ सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, देखाते हैं आपको, ऐसे आपको पकड़ सकते हैं, आप लोग बाहर कर सकते हैं। ये जो कूलर है ना, इसी से आपको पकड़ नहीं पाओगे, इसमें गैप में ना बहुत ही कम रहता है, इसको बाहर से अपन नहीं कर पाओगे। तो बाहर करने के लिए क्या करना है, पैच के मदद से आपको बाहर नहीं कर पाओगे, पूरा पैच से हम इसको कोशिश करते हैं। पंखा टूट सकता है तो हम उसको दिखा दें, इसको खोलते नहीं खोलते, पंखा नहीं खुलेगा टूट जाएगा, ठीक है।
ये जो सिस्टम है ये भी तरीका सही है, कोशिश कर लो टाइट कर लेना, ठीक है हालांकि को टाइट कर लेना, देखते हैं टाइट करने से क्या होता है। अभी तक इसका हम पकड़ के रख सकते हैं, पकड़ नहीं पा रहे तो उसको हम पकड़ने की कोशिश तो करेंगे, जब इसको पकड़ेंगे ना पकड़ेंगे तो काम हो जाएगा। तो हम इसको हालांकि तो खोल के थोड़ा खोलते हैं, खोलने के बाद थोड़ा बैरिंग डाल लेंगे इसके अंदर, तो उसको क्योंकि हम इसको खोल नहीं पा रहे बढ़िया से, तो जो तरीका है उसको अपनाते हैं जो सही तरीका है, क्या सही तरीका है क्या सही है, तो कुछ भी होगा हम कोशिश करेंगे इसे। इसके अंदर थोड़ा बैरिंग डाल देंगे, इसके सब कार पास चला जाएगा इसको हम टाइट कर लेंगे तो गैप थोड़ा कम हो जाएगा शायद, देखते हैं। বাবা ভাবি ঘরে রাখলো নে, কাকিমা ঘরে রাখে নে, কাকিমা ঘরে রাখলো নি আর তুই বাক্যে দিলাম না, এই কাজে বসলে আমার খিদা চলে যায়, খাওয়া ভুলে যায় আমি, খাওয়া ভুলে যায় না, ওটাই তো আমার সমস্যা। আমি একটা কাজ করছি যে কাজটা মানে খুব রিস্কি, মানে আমিও করেছি কিন্তু এক যন্ত্রপাতি কোনো পাই, এই কাজটা তো আমি একটু করিনি, খুব কম করি, তো এক যন্ত্রপাতি আমার কাছে ঠিকঠাক নেই, তো এই কাজটা করতে যে আমার 200 টাকা লস গেল, কী করে বলো তো? कोशिश करते हैं, ठीक है ये खराब हो गया, क्रिटिकल थोड़ा দেখছি খোলা যায় না,
দেখুন দাদা ভাইরা খুলে গেছে কিন্তু পুলার বেয়ারিং দিয়ে, তো এটা ঠোকা ঠোকা খোলার কোনো দরকার নাই, এরকম পুলার থাকলেই আপনার কাছে খোলা যাবে। হ্যাঁ তো আমিও আজকে প্রথমবার খুললাম। খোলার জন্য কত রকমের চেষ্টা করে এটাকে খোলার চেষ্টা করেছে কিন্তু এটা একটাও সাফল্য হয়নি। সো খোলার জন্য এত কষ্ট করবার দাদা ভাই দরকার নেই, ঠিক আছে? আমরা এটা খুব ইজিলি ভাবে খুলতে পারবে। দেখো এটা খোলার জন্য অনেকে অনেক রকমভাবে চেষ্টা করেছে, বুঝতে পেরেছো? ঠুকেছে, ভেঙেছে, এত কষ্ট করার কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে? এরকম পুলার থাকলে এরকম একটা পুলার কিনে নেবে, ঠিক আছে? এরকম একটা পুলার কিনে নেবে তাহলে এটা খুলতে পারবে, কোনো কিছু অসুবিধা নেই। আর এই সার্কেল খুললে ব্যারিংটা ওপেন হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আমি ওপেন করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আরে দেখো খোলার সিস্টেম, ঠিক আছে? এটা খোলার কি সিস্টেম আছে, অত কিছু করার দরকার নেই, হাতুড়ি মারার দরকার নেই, কিছু করার দরকার নেই। তো এটাকে খুলবে, এরকম ব্যারিংও চেঞ্জ করে দেবে। আমরা ব্যারিং চেঞ্জ করবো, তাহলে খাটতে হবে না, ঠিক আছে? বাসুটির সব ব্যারিং আছে, তো বাসুটির সব ব্যারিং লাগালে এখানে কী হচ্ছে দেখি দিচ্ছি। বাসুটির সব ব্যারিং লাগালে ঢিলা হচ্ছে কি না, ঢিলা তো হয় না, ঢিলা হয় না, ব্যারিং বসে আছে, একটু ঢিলা হচ্ছে, একটু ঢিলা হচ্ছে, ব্যারিংটাই বোঝা গেছে, তাই সমস্যা হচ্ছে। তো সার্কেল লাগিয়ে দিচ্ছি, তো ব্যারিং আমি বসে দিয়েছি, ব্যারিংটা একটু প্লে আছে, ঠিক আছে? ব্যারিংয়ের প্লেসটা একটু খারাপ হয়ে গেছে, প্লেসটা তো প্লেসটা তোমরা কী করবে জানো, এটা ফেভিকুইক নিয়ে নেবে। তো ফেভিকুইক আমার কাছে থাকে, শেষ হয়েছে আমার কাছে, তো নতুন একটা ফেভিকুইক নিয়ে ফেভিকুইক নয় ডেন্ডাইট বলে দেবে, ঠিক আছে? ফেভিকুইক করে খুলতে কষ্ট হতে পারে, তো ডেন্ডাইট নিয়ে নেবে, ডেন্ডাইট ডেন্ডাইট। হ্যাঁ তারপরে একটু সার্কেল মাটি লিখবে না, এই সার্কেলটা কাজ শিখিয়ে দিলাম আজকে। আজের পর থেকে কেউ আর কোশ্চেন করবে না ব্লার ব্যারিং খোলার জন্য, কি সমস্যা, ঠিক আছে? তারপরে তোমরা এটাকে এখানে বসিয়ে নিবে, এই যে এরকমভাবে, ঠিক আছে? আমি এর ভিতরে ব্যারিং বসিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, আমার কাছে জোগান আছে, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিই। জোগানটা আছে ছোটো জোগান, তো ছোটো ছোটো বসিয়ে নিই, তো আমি এখানে আমার পায়ের উপরে বসিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি ঠুকি। এগারো কিলো রাধমেচা,
পর থেকে কোনো কোশ্চেন হবে না, কোনো কোশ্চেন কেউ কোশ্চেন করবে না। তো এটাও বসিয়ে দিচ্ছি ছোটো করে, আর ফিটিংও করে দিচ্ছি, দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তারপর এই মালটা আছে না, এটাকে আমি সেট করে লিচ্ছি ভিতরে ঢুকিয়ে, ঠিক আছে। এটাকে একটু বাইরে থেকে বেরালে খুব ভালো হতো, কিন্তু এটা বেড়াচ্ছে রাখে তো জানি না, ঠিক আছে। এখন ঠিক হয়ে গেছে, আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি। এই এইটা এইটা নষ্ট হয়ে গেছে, যে এইখানটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা ঘাট থাকে, দেখো যে ঘাট থাকে চায়না মাল, তো এইরকম একটা ঘাট থাকে না, এখানে ঘাটটা নষ্ট হয়ে গেছে, আর এই বডিটা নষ্ট হয়ে গেছে। বডিটা চেঞ্জ করতে হবে, পাচ্ছি না আমি, চেষ্টা করেছিলাম, অর্ডার দিয়েছিলাম, আসে না, অর্ডার দেওয়া আছে, যদি পেয়ে যায় তো মেশিনটা ফিটিং করবো, ঠিক আছে। তো আমি এটা ফিটিং করে নিচ্ছি, তো এটা সোজা সোজা ঘাট আছে দর্শক, তারের দিকে এটা ক্লিপটা তারের দিকে রেখে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তারের দিকে না, বড় ক্লিপ রেখে দিচ্ছি, ঠিক আছে, তারের দিকে ক্লিপ রেখে দিচ্ছি, দিয়ে আমি এটা ফিটিং করে নিচ্ছি, ঠিক আছে। খুব সুন্দরভাবে বসে গেছে, ঠিক আছে। তো তারপর চারটা নাটা আমি ফিটিং করে নিচ্ছি, এটা ফিটিং করবার এক একটা নাট ছিল, একটা নাট আমি ফিটিং করতে ভুলে গেছি, ছোটো নাট আছে, সবার একটা বিরাট প্রবলেম হয়, এই নাটটা না টাইট হতে চায় না, তারপরে টাইট নিচে চলে যায়, তো তোমরা টাইট করে করবে, না টানাটা দরকার না, ঠিক আছে। তো টাইট করবে কী করে, অনেক সমস্যাটা হয়ে থাকে, তো কী করবে, এটা একটু তুলবে, সামান্য একটু গ্যাপ করবে, কোনো এমন জ্যাম হয়ে যায় খুলে যায়, দেখাচ্ছে আমার একটা বিরাট বড় প্রবলেম হয়েছিল, এটা খুলবে কী করে, জ্যাম হবে, আমি দেখেছি এরকমভাবে একটু তুলবে, তুলবে না একটু তুলবে, এরকম আছে তো, এইটা দিয়ে একটু সামান্য পাখাটাকে তুলে দিই, এরকম হারমেচারটাকে একটু তুলে দিই, একটু সামান্য তুলে দিই, একটু সামান্য তুলে দিই, ঠিক আছে, তুলে উপরে উঠে আসে। তো তারপরে এটাকে একটু, তারপর তোমরা এই থ্রেডটাকে বস করাবে, টাইট করে নেবে, তারপরে এলএনটি দিয়েও টাইট করে নেবে, বলছে এটা বসবে কি না বসবে না, তো বড়ো সবচেয়ে বড়ো এলাঙ্কি আছে, এই বড়ো এলাঙ্কি, এটা নিয়ে এটাকে টাইট করে দেবো, টাইট হয়ে গেল, আর্মচার টাইট, ঠিক আছে, আর্মচার
अच्छा टाइट होने पर मैं हल्का कर पेस कर बस लेकिन बसे चार्टे नाट आते आटे गए हमें तो भूल कर फेले रबार्टा लगाते भूले गए तो रबार्ट लागिए एक दीते एखो लगाना हो जाए रबार्ट लगाना जाए ना जाए फुलेटा लगाते हैं ये बड़ी खुले लागिए देव ठीक है इसका पर खोला रे गए फुलेटा लागिए देव